अकाउंट हैक हो गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का अकाउंट हैक हो चुका है। रात 12 बजे हैकर ने पोस्ट भी किया था। हैकर ने विजयवर्गीय के एक्स पर लिखा, विजयवर्गीय का अकाउंट हैक हो चुका है। आईटी की टीम ने अकाउंट हालांकि अब रिकवर कर लिया है, लेकिन देखिए हैकर्स जो हैं उनके मंसूबों को नहीं समझा जा सकता है कि वो आखिर चाहते क्या हैं, लेकिन जो भी वीआईपी नेता हैं उनके अकाउंट को हैक करने का सिलसिला देखा जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अकाउंट को भी हैक किया गया था, लेकिन एक बार फिर अब यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के अकाउंट को हैक किया गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स को हैक करने के बाद जो हैकर है उसने लिखा भी है बकायदा कि ये अकाउंट हैक हो गया है। तो इस कदर हैकर्स के हौसले बुलंद। हालांकि अब एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है अकाउंट को कुछ चेंजेस लाने के बाद। दिस इज हैक्ड अकाउंट, ये लिखा हुआ एक पोस्ट जो है वो देखने को मिलता है, और साथ ही एक पोस्ट के जरिए बताने की कोशिश की गई कि आखिर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का अकाउंट हैक हो गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश में बारिश की। 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर सागर समेत 14 जिलों में अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर चंबल सागर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ। कई जिलों में 100 mm से भी ज्यादा बारिश हुई है। एमपी में अभी मॉनसून के 4 सिस्टम एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर सागर समेत 14 जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी हुआ है। ग्वालियर चंबल सागर संभाग में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 100 mm से ज्यादा यहां पर बारिश हुई है और मॉनसून के 4 सिस्टम एक्टिव हैं अभी भी, इसलिए अलर्ट कर दिया गया है इलाके में लोगों को भी कि बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है और 14 जिलों में बारिश बहुत ज्यादा होगी, इसलिए सावधानी बरतें क्योंकि आफत का अलर्ट है ये, इसलिए सावधान हो जाइए। 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें जो ग्वालियर चंबल और सागर संभाग है यहाँ पर इनके अलावा 100 mm बारिश जो है दर्ज की गई है, लेकिन अभी मॉनसून की अगर हम बात करें तो मॉनसून के 4 सिस्टम एक्टिव है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, अभी मध्य प्रदेश को राहत नहीं है बारिश से? निश्चित तौर पर देखिए अगस्त का आधा महीना जो है वो झमाझम बारिश के बीच गुजरा, फिर उसके बाद कुछ अगस्त के आखिरी हफ्ता तक कुछ राहत मिली और अब सितंबर में भी लगातार जो है वो भारी बारिश का अलर्ट बना हुआ है। शुरुआती दिनों में हमने देखा कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई और वहीं अब भी लगातार कई ऐसे मौसम सिस्टम जो हैं, मौसम प्रणालियां जो हैं वो लगातार डेवलप हो रही हैं जो मध्य प्रदेश में बारिश का कारण बना रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो जो ग्वालियर चंबल और सागर संभाग का इलाका है वहां पर आज भारी बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर 100 mm तक जो बारिश है वो अब तक दर्ज की जा चुकी है, यानी कि बारिश जितनी होनी चाहिए थी, जो एवरेज रेनफॉल का कोटा था उससे कई अधिक हो चुकी है और यही वजह है कि कई गांवों में जो बाढ़ जैसे हालात हैं वो भी इस पूरे सीजन में नजर आए। बहरहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 2-3 दिनों तक और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि 3-4 ऐसे सिस्टम सक्रिय है, खासतौर पर वे ऑफ बंगाल में जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है उसके चलते मध्य प्रदेश में लगातार जो मानसूनी बारिश का दौर है वो फिलहाल जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, डैम भी लबालब भरे हुए हैं और पानी की आपूर्ति इससे लंबे समय तक जरूर सुनिश्चित हो सकेगी, लेकिन अब जो लगातार बारिश हो रही है उससे आम जनजीवन और आम लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए, क्योंकि अभी बारिश से कोई राहत नहीं है और मौसम विभाग ने भी इसको देखते हुए अलर्ट जारी किया है। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। भोपाल के कई इलाकों में जो बिजली है वो गुल रहेगी। राजधानी के 25 इलाकों में बिजली गुल रहेगी। मेंटेनेंस के चलते 4 से 6 घंटे बत्ती गुल हो सकती है। न्यू जेल रोड, गांधीनगर, झूलेलाल मार्केट में कटौती की जानकारी है। दानिश नगर मिश्रौट फेस 1, सलैया रोहित नगर फेस 3, गीत बंगला जेके टाउन के आसपास बिजली की कटौती होगी और वो भी 1-2 घंटे के लिए नहीं बल्कि 4 से 6 घंटे के लिए बत्ती गुल रहेगी मेंटेनेंस के कारण।
हालांकि बारिश का मौसम है और आप ये जानते हैं कि कई बार ओवरलोड होने की वजह से ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने लगते हैं, कई जगह पर तो हाई टेंशन तारे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत का सबब बन जाती हैं और अब मेंटेनेंस के चलते 4 से 6 घंटे तक जो है बत्ती गुल रहेगी। वासु लगातार जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी। वासु, बत्ती गुल की जो जानकारी है वो मिल रही है 4 से 6 घंटे, राहत कब मिलेगी? निश्चित तौर पर देखिए, राजधानी भोपाल में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती कोई नई बात नहीं है। लंबे समय से इस तरीके की प्रक्रिया जो है वो बिजली विभाग, बिजली कंपनी अपनाते हुए आ रहे हैं और रोजाना लगभग देखा जाता है कि भोपाल में कई इलाकों में जो है वो बिजली कटौती की जाती है और मेंटेनेंस का हवाला दिया जाता है। बहरहाल आज भी भोपाल के करीब 2 दर्जन ऐसे इलाके हैं जहां पर मेंटेनेंस का काम होगा और अलग अलग टाइम पीरियड में जो है 4 से लेकर 6 घंटे तक की बिजली कटौती होगी। सीधे तौर पर इससे लाखों की संख्या में जो आबादी है वो प्रभावित होगी, क्योंकि जिन इलाकों में बिजली कटौती होनी है वो कमर्शियल जोन भी है, रेसिडेंशियल जोन भी है, ऑफिसेस भी वहां पर हैं, लोगों के घर भी हैं और चूंकि आज कोई हॉलीडे नहीं है, वर्किंग डे है, तो लोगों के रोजमर्रा के काम भी रहते हैं। लिहाजा बिजली विभाग ने पहले जानकारी दी है, लोगों तक ये जानकारी पहुंचे तो वो अपने काम पहले ही निपटा लें ताकि बिजली जब गुल रहे तो उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन ये जरूर देखा गया कि बीते दिनों जिस तरीके से लगातार त्योहार रहे, 10 दिन गणेश उत्सव रहा, फिर उसके बाद अनंत चतुर्दशी रही, तो उस दौरान बिजली मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाया था, तो बिजली विभाग का भी ये कहना है कि इस काम में तेजी लाई जाएगी और समय पे काम पूरा हो जाएगा ताकि आम लोगों को आने वाले समय में पावर कट, ओवरलोडिंग जैसी तमाम सारी जो समस्याएं होती हैं उससे ना जूझना पड़े। जी बिल्कुल, और देखिए यही बड़ी चीज है कि अक्सर बरसाती मौसम में कुछ ऐसी समस्या ना हो जिसकी वजह से बहुत देर तक बिजली कटौती हो, इसलिए पहले ही मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर में सफाई कर्मी आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर है और उनके हड़ताल पर चले जाने की वजह से सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। अब सड़क पर कूड़े के अंबार दिखने लगे हैं और उनका कहना है कि वेतन बढ़ाया जाए, साथ ही समय से वेतन देने की मांग की जा रही है, जिसके लिए प्रशासन के साथ बातचीत का इंतजार अभी कर रहे हैं। सफाई कर्मियों ने वेतन बढ़ाने की मांग की है और लगातार उनका जो प्रदर्शन है, वो विरोध है, वो अभी भी जारी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं असर व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा तकलीफ और बीच सड़क पर कूड़े का अंबार है, गंदगी का अंबार है। लेकिन क्योंकि सफाई कर्मी कुछ मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, इसलिए सफाई नहीं हो पा रही। आम जनता की समस्या से रूबरू होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम होगा। हर गुरुवार को होने वाले इस जनदर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री के पास आते हैं। लोगों की समस्या के समाधान के लिए सीएम साय अधिकारियों को निर्देश कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनदर्शन कार्यक्रम होगा, जहाँ फरियादी सीधे मुख्यमंत्री से मिलेंगे और अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। हालांकि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें कि कलेक्टर और एसपी लेवल के बड़े अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी समस्याएं हैं उनका निपटारा वहीं पर हो जाना चाहिए, लोगों को रायपुर तक आने की ज़रूरत ना पड़े, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। आज इस मीटिंग के बाद जो है जनदर्शन, पहला जनदर्शन होगा और देखना होगा कि क्या इसका असर नजर आया है जनदर्शन में, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कलेक्टर और तमाम जो अधिकारी हैं वो कोई फैसला नहीं ले पाते, जिसकी वजह से फरियादी परेशान हो जाते हैं और वो सीधे जनदर्शन का सहारा लेते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस बार का जो जनदर्शन है उसमें लोगों की संख्या कितनी होती है, क्या उनके समस्याओं का निपटारा समय से हो रहा है या नहीं। दुर्ग में गुस्से में जान ले ली गई है। दरअसल कृष्णा ग्रीन सिटी कोहका में एक पति पत्नी के बीच विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि पति देर रात घर पहुंचा तो इसे लेकर पत्नी नाराज थी, दोनों के बीच विवाद हुआ और फिर पत्नी फंदे से झूलकर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
अंबिकापुर में कला केंद्र मैदान को लेकर जमकर मारपीट हो गई। टेंट मालिक और मेला संचालक आपस में ही भिड़ गए। नगर निगम की लापरवाही के कारण मारपीट की नौबत आ गई। टेंट मालिक ने 10 से 12 साथियों के साथ मिलकर मेला संचालक की जमकर धुनाई कर दी। घायल मेला संचालक ने कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के कला केंद्र में मैदान की ये घटना बताई जा रही है। अंबिकापुर में कला केंद्र मैदान को लेकर जमकर बवाल, जमकर मारपीट और टेंट मालिक और मेला संचालक आपस में ही भिड़ गए। ये 57 सेकंड आपके भी रोंगटे खड़े कर देंगे। सीसीटीवी में कैद हुई है बैंक लूट लाइव, दहशत की गवाही देती ये लाइव तस्वीर, आपको दिखाते हैं। बैंक में लूट लाइव, रोंगटे खड़े कर देंगे 57 सेकंड। ग्राहक बनकर आए लुटेरे, बैंक में अफरा तफरी, दहशत की ठाए ठाए। किस गैंग ने की बैंक की रेकी? नीमच टू राजस्थान, ऑपरेशन पीछा करो। जिस 57 सेकंड की तस्वीर होश उड़ाने वाली है, पहले फ्रेम में सिर्फ बैंक में दो ग्राहक नजर आ रहे हैं, एक महिला और एक आदमी बैठा हुआ है। इसके बाद चेहरे पर रुमाल लगाए हुए एक शख्स दिखाई देता है। अभी भी ये महिला और ये आदमी समझ नहीं पाए कि ये शख्स लुटेरा है जिसने अचानक कट्टा निकाला और फायर कर दिया। उसके बाद तो बैंक में कोहराम मच गया। दहशत के मारे ये महिला भागती है लेकिन घायल हो गई। इस बीच एक और तस्वीर कैद हुई, दो लुटेरे थे जिन्होंने बैंक में फायरिंग शुरू कर दी। बैंक का चपरासी बंशीलाल दायमा लुटेरों को रोकने की कोशिश करता है लेकिन लुटेरों ने उस पर हमला बोल दिया। उसके बाद बाइक सवार लुटेरे भाग गए। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ये बताएं, जो अभी बैंक लूट की वारदात हुई, क्या हुआ, आपने क्या देखा वहां, क्या हुआ था? मैं बैंक में पैसे निकालने गई थी, अंदर गई, चेक भर रही थी और दो लोग आए और फायरिंग कर दिया। मुंह बांध रखा था क्या? हाँ, मास्क लगा रखा था मुंह पे। वहाँ किसी से लड़ाई झगड़ा भी हुआ उनका? मतलब नहीं, झगड़ा नहीं हुआ, अचानक आए और अचानक फायरिंग कर दी। हमारी मिसेस और हम दोनों तो पैसे निकलवाने गए थे और साहब ने बोला रुको, तो हम बैठे वहाँ बैठे, इतने में कोई दो व्यक्ति आए तो वो भी हम समझे कोई पैसे निकलवाने वाले होंगे। इतने में उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग चालू कर दी। तो मैं तो नीचे गर्दन कर ली, लेकिन मेरे मिसेज के जांग में गोली लगी और मैं जैसे तैसे, मेरे को पता भी नहीं कि मेरे मिसेज के लगी और मैं तो मेरी जान बचाकर भाग गया था। बैंक का चपरासी बंशीलाल और दो महिलाएं घायल हुई हैं। नीमच से 25 किलोमीटर दूर चीताखेड़ा गांव के ग्रामीण बैंक में लुटेरों ने धावा बोला। सीसीटीवी फुटेज में वक्त हो रहा था दोपहर के 12:41। कैश काउंटर पर रखे 71,000 रुपए लेकर लुटेरे भाग खड़े हुए। ये जीरे थाना क्षेत्र में चीताखेड़ी हमारी जो चौकी है वहाँ पर राजस्थान बॉर्डर में ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ये घटना अंजाम हुई है, जिसमें दो अज्ञात बदमाशों द्वारा दोपहिया वाहन से आए हुए थे और बैंक के अंदर इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। कुछ फायरिंग भी करी हुई है, हमारी टीमें इनके पीछे अभी लगी हुई हैं और जो अभी तक की सूचना है वो राजस्थान तरफ इनका भागने का पता पड़ा हुआ है और हरनावदा तरफ इनकी फुटेज भी आई हुई है, जिसमें हम लोग इनकी आगे पूछताछ करते हुए इनका पीछा भी कर रहे हैं। इस वारदात के पीछे किस गैंग का हाथ है, रुमाल बांधे ये लुटेरे कौन है, पुलिस के हाथ कुछ सीसीटीवी फुटेज लगे हैं जिससे इन लुटेरों का रूट राजस्थान की तरफ दिखाई दे रहा है। इसमें तीन लोगों के घायल होने का पता चला है, एक जो बैंक का जो चौकीदार था वो है और इसके साथ में दो महिला जो ग्राहक अंदर बैठे हुए थे उनके भी पैरों में चोट आई हुई है, जिसकी हम लोग अभी उपचार उनका करवा रहे हैं और पुलिस टीम इसमें पूरी मुस्तैद है, जल्दी उनको पकड़ेंगे। दिन दहाड़े लूट की वारदात से दहशत है। इस बैंक को टारगेट क्यों किया गया, रेकी कब से की जा रही थी? नीमच टू राजस्थान, पुलिस का ऑपरेशन पीछा करो
जारी है। नीमच में विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।